जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी एसएससी जीडी की भर्ती है 2023-24 वाली, उसके लिए हम बेस्ट बुक्स की यहां पर बात करने वाले हैं कि बेस्ट बुक्स कौन से होने वाली है। यहां पर हम सभी सब्जेक्ट की बेस्ट बुक मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, एक बात समझिए कि अगर आप कोई युद्ध में जा रहे हो, युद्ध में जाने से पहले आपके हथियार तैयार होना बहुत जरूरी है, वरना आप युद्ध हार जाओगे। और हथियार भी वो होने चाहिए जो आपके युद्ध में काम आए, समझ रहे हो, यानी इस हिसाब के होने चाहिए जिससे आपको सफलता मिले युद्ध में। उसी तरीके से है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसके लिए हथियार होते हैं उसकी बुक्स, और बुक्स भी कौन सी होनी चाहिए जो बेस्ट बुक आपके पास हो, जिनको पढ़कर आप सिलेक्शन ले सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहां पर इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि एसएससी जीडी के लिए जो आपके चारों के चारों सब्जेक्ट हैं उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होने वाली है। और जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि इनसे तैयारी करके 100% सिलेक्शन पक्का आपका होने वाला है अगर आप इन बुक्स से तैयारी करते हो। एक बात और बता देता हूं, जो भी मैं बुक्स यहां पर बताने वाला हूं, मार्केट में उनसे बेहतरीन बुक आपको कोई भी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे, और कोई भी टीचर इस बात को नहीं झुठला सकता जो ये बात मैं यहां पर बोलने वाला हूं, जो बुक्स मैं यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि कामयाबी के तीन रत्न है, कामयाबी के तीन रत्न है, त्रिरत्न है, कौन से हैं? जुनून, हौसला और पागलपन। अगर आपके पास जुनून है, आपके पास हौसला है और आपके पास पागलपन है, अब पागलपन का मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए, नहीं, पागलपन का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप उसके लिए तैयार हो। और अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, एसएससी जीडी की खाकी वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, जैसे ही बुक्स की बात आती है, सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में चार पांच बातें आ जाती हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपके दिमाग में आता है, उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहली आती है, क्या बुक्स जरूरी है? एक बात बताओ, इतने बड़े लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि बुक्स हमारी बहुत अच्छी मित्र होती हैं। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, तो आपको वो इतनी चीजें सिखा सकती हैं जो आपको सीखने में पता नहीं कितना ही समय लग जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की स्पेशली आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये सोचता है ना बिना बुक्स के सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं, अभी मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट में कंपनियां आ चुकी हैं जो आपके एसएससी जीडी की तैयारी करवा रही हैं, तो वो ये बोलेंगे कि आपको बुक्स परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो पीडीएफ दे रहे हैं आप उनसे ले लीजिए, जो हमारे कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उससे सिलेक्शन हो जाएगा, जो हमने पढ़ा दिया उससे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक बात बताता हूं, अगर कोई रियल टीचर है तो वो आपको एक बात बोलेगा कि बिना बुक के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी पहले से है, बस वो थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी उनके पास अपने खुद के नोट्स होंगे या खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ अवेलेबल होगा, तभी वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात नोट कर लेना, बुक्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। दूसरी क्या आती है कि बिना बुक्स के सिलेक्शन नहीं होगा। भाई, हो सकता है 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बिना बुक्स के सिलेक्शन हो सकता है, मैं मानता हूं कि 1% स्टूडेंट है, लेकिन आप उनमें से नहीं आ रहे, ये मान के चलना है अपने को, खुद को, ठीक है, कि मेरा बुक्स के बिना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना बुक्स, जब तक टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, मैं भी एक टीचर हूं, आपको पता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन जब तक आप बुक्स से खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, बुक्स से आप खुद मेहनत नहीं करोगे, अपने हाथ से अपनी नोटबुक और पेन से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, खुद अपना दिमाग का यूज नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। टीचर आपको पढ़ा सकता है, टीचर आपको गाइड कर सकता है, टीचर आपको समझा सकता है, लेकिन बुक्स आपके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको उन्हीं से करनी है, और जो आपका कॉपी पेन और बुक्स का काम होगा वही आपके पेपर में काम आने वाला है। टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं, खुद का पढ़ा हुआ काम आएगा, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, टीचर सिर्फ एक रास्ता दिखाता है
कि आपको इस रास्ते पे चलना है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए जो भी चीजें चाहिए ना वो आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो बात समझ में आ गया, बिना बुक्स का सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलो आप 99% स्टूडेंट में ही आते हो, ठीक है, अपने आपको खुद को यही मान के चलना है, तो बुक्स आपके लिए जरूरी है। फिर दिमाग में एक चीज और आती है, क्या प्रीवियस ईयर बुक जरूरी है। देखिए मार्केट बहुत बड़ा बन चुका है, जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनियां बहुत सारी आ चुकी है, तो आपको पता है कि चार सब्जेक्ट आपके हैं, तो चार सब्जेक्ट की एक एक बुक निकाल के 400-400 रुपए की बुक्स आपको सेल कर दी जाती है, और ये 400 से 800 रुपए तक जाती है, इस बात को भी नोट कर लेना। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूरी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ बुक्स परचेज कर लो भाई, चार बुक तो यही हो जाएंगी, पेपर तक तो आप इनको ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जब बुक्स बहुत सारी दिखेगी ना, चार ये होगी अलग अलग की, एक एक भी रखोगे तो 8 हो जाएंगी, 8 पेपर तक नहीं पढ़ पाओगे, इतना समय अब नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको फ्री में मिल जाती हैं, आपको पीडीएफ के रूप में हर जगह पे अवेलेबल है, और जहां से भी आप पढ़ सकते हो मिल जाएंगी भाई। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हमें तो नहीं मिलती इसलिए हम परचेज करते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो प्रीवियस ईयर बुक परचेज मत करना, क्योंकि आपको सीखना है, समझना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये पता करना है, समझ रहे हो आपको। और जिनको लगता है कि हाँ सर जी ये तो बहुत जरूरी है, हमारे टीचर ने बताया ये बताया, मैं एक चीज बता देता हूं सिंपली, अगर आप 2021 का पेपर देखोगे एसएससी जीडी का, वो अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप 2022 वाला भर्ती का देखोगे, आपको अलग लेवल का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी परचेज कर लो, आप ये भी परचेज कर लो, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे सोल्व नहीं कर पाओगे, बात नहीं बनेगी, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूं बुक्स आपको इसकी नहीं परचेज करनी, बेवजह के पैसे वेस्ट नहीं करने, ये बिल्कुल फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है, बाकी हम भी करवा देंगे। उसके बाद क्या आती है, कितनी बुक्स होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सभी सब्जेक्ट की आप ज्यादा नहीं खरीदना, आपको सिर्फ एक एक बुक परचेज करनी है सभी सब्जेक्ट की, और उसी बुक को जितना ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करना है। जैसे बोला भी जाता है, और हर एक टॉपर, हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट एक बात बोलता है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। सबसे पहले तो अच्छी बुक सेलेक्ट कर लो, फिर एक बुक को आपको 10 बार पढ़ लेना है। कहने का मतलब है जितनी बार पढ़ पाओ, ऐसा नहीं सर जी मेरा तो 10 बार नहीं हुआ, 9 बार ही हुआ, नहीं ये नहीं सोचना, जितनी बार पढ़ पाओ। कहने का मतलब है कि बहुत सारी बुक्स आपके पास नहीं होनी चाहिए, कम बुक्स होनी चाहिए, और उनका ज्यादा रिविजन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी आपके दिमाग में आता है सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। अब सबसे पहले आ जाते हैं अपने बुक्स के ऊपर, ठीक है। पहली बुक्स, अगर हम सबसे पहले यहां पर पहली बुक्स की बात करें तो कौन सी होने वाली है। देखिए आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो, एक होता है आपका इंग्लिश और एक होता है हिंदी। अब देखिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको इंग्लिश या हिंदी चूज करना पड़ेगा। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, 99% स्टूडेंट है वो हिंदी चुनते हैं, तो मैं हिंदी की बता देता हूं। जो 1% स्टूडेंट है जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी मैं यहां पर बता देता हूं। इंग्लिश वालों के लिए तो भाई ये है, नीतू सिंह मैम की बुक आती है, केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह मैम की बुक आती है, ठीक है, ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें आपको बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है, शायद ये कवर भी दूसरा हो सकता है क्योंकि चेंज होता रहता है, तो आप देख लेना इंग्लिश की नीतू सिंह मैम की आती है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो, उससे आप तैयारी कर सकते हो। अब आता है अपना हिंदी का जो 99% स्टूडेंट होने वाले हैं। देखिए लूसेंट वाली बुक है ना, लूसेंट वाली हिंदी की सबसे बेस्ट बुक है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में आती है हिंदी में, ठीक है। दूसरी चीज साथ में इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, ये 2021 वाले भी 2022 वाले भी। अब ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको बुक परचेज करने की आवश्यकता है, नहीं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर एक टीचर देता है, नहीं देता तो हम तो देते ही हैं भाई, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, एक बुक परचेज कर लो। और ऐसा नहीं कि यही परचेज करनी है, अगर आपके पास हिंदी की कोई भी बुक अवेलेबल है तो आपको दूसरी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है,
उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर आपकी वो बुक्स में है तो दूसरी बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी बुक से काम चला सकते हो। नहीं खरीद रहे हो तो आप लूसेंट वाली ये बुक खरीद सकते हो, और साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको उससे पता चलेगा, ठीक है, कि जो पहले लिखा हुआ होता है वो क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मुहावरे की बात करें तो ऊपर पूछा क्या गया है और उसका आंसर किस तरीके का होता है, ये चीजें आपको पता चलेगी, और बाकी तो हम पढ़ाने वाले तो हैं, ठीक है। तो बुक्स आपको पता चल गई। अब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है भाई, अपना जीके जीएस है, ठीक है, कौन सा है अपना जीके जीएस वाला सब्जेक्ट है। अब जीके जीएस वाले सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होने वाला है भाई, जीके जीएस के लिए सभी जानते हो लूसेंट से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है, इससे बेहतरीन बुक ना कोई है ना अभी तक हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लूसेंट वाली बुक है आप इसको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बस इसके सारे क्वेश्चंस आपको दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा तो आपको पता ही है कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो तो आप पढ़ोगे ही, इतना तो आप सभी जानते ही, लेकिन ये रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट बुक आपके लिए होने वाली है। तो अगर आप इस बुक से करते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन होने से, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो ये जीके के लिए हो गया, जीके जीएस के लिए हो गया, करंट अफेयर के लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलो अब अगले पे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अपना रीजनिंग, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हो एक टॉप स्कोरिंग आपके लिए सब्जेक्ट होने वाला है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेरा तो मानना यही है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है, जैसे राजस्थान वाले स्टूडेंट है उनके पास सीखवाल वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप और कहीं से बिलोंग करते हो, आपके पास रीजनिंग की कोई भी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग की है सारी बुक अच्छी है, क्योंकि आपको रीजनिंग में मेनली क्या चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत सारे टाइप के आते हैं, दो तीन टाइप के आते हैं हर चैप्टर से, वो हर बुक्स में मिल जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी अगर आप नई बुक परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले अरियंत की मैं इस बुक के बारे में बताना चाहूंगा, ये होती है मास्टर रीजनिंग की बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको क्या कर लेना है, मास्टर रीजनिंग वाली ये बुक को परचेज कर लेना है। और अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, ठीक ठाक प्रैक्टिस करना चाहते हो और चाहते हो उससे मेरा काम बन जाए, तो ये भी अरियंत की दूसरी आती है, ठीक है, आर के जासर की, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा कवर उसका, तो ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अरियंत की एक और बुक आती है, ठीक है, तो आपका मन करे तो वो भी बुक परचेज कर सकते हो। तीनों की तीनों बुक है वो अरियंत के सबसे बेस्ट है, मार्केट में इससे बेस्ट बुक अभी रीजनिंग में कोई नहीं है, ठीक है, तो अरियंत की है बिल्कुल बेस्ट। अब मैं एक चीज बताता हूं, देखिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे एसओसीजीडी की बेस्ट बुक के लिए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी और टीचर की बुक वाली वीडियो देखेंगे, तो मैं एक बात बता देता हूं, मोस्टली क्या करते हैं, पेड प्रमोशन होता है, यानी उनको रुपए मिले हुए होते हैं जिसका वो प्रमोशन कर रहे हैं बुक्स का। अब समझ जाओ कोई भी टीचर है ना, मैं सिंपली बताता हूं, कोई भी टीचर है वो एक ही पब्लिकेशन की सारी बुक्स बता रहा है, तो समझ जाना क्या है, वो पेड प्रमोशन है, ठीक है, उसके लिए उनको रुपए मिले हैं। अब बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मार्केट में इससे बेस्ट बुक कोई है नहीं, ठीक है, और अपन पेड प्रमोशन करते हैं नहीं, ये भी पता है। उसके बाद आता है मैथ सब्जेक्ट, जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जी का जंजाल होता है और हमारे लिए सबसे प्यारा होता है, जो हमारे चैंपियन है उनके लिए मैथ सबसे प्यारा होता है। मैथ में देखिए किरण पब्लिकेशन से बेस्ट बुक ना आई है ना आएगी, ये क्योंकि हर बार है अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है इनकी, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन वाली बुक परचेज कर लेना, पहले मैं दूसरी बुक्स भी बताया करता था, अभी वो क्या होगी, वो खुद को अपडेट नहीं कर रही, तो इसलिए हमने उन बुक्स को हटा दिया है। किरण पब्लिकेशन क्या क्या होता है, वो हर बार अपडेट करते रहते हैं, तो जो नया एडिशन आया हो ना किरण पब्लिकेशन का वो आपको परचेज कर लेना है। लेकिन वहां पर देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें अच्छी बात यह है कि आपको टाइप वाइज भी दिखते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। इसके अलावा एसएससी की घटना चक्र वाली बुक आती है, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब मैं ये दोनों बुक्स मैंने क्यों बताई हैं, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में है ना,
अगर बिल्कुल बेसिक लेवल आता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी बुक हो उससे भी काम चला लो। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो उसके लिए ये बुक्स आपके पास होना चाहिए, आप इनसे तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर SD यादव वाली भी बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भी आपके पास और कोई भी बुक है, ठीक है, मैथ की होनी चाहिए, जिसमें जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं, मैंने मैथ के सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है तो उसमें देख लेना, अगर वो टॉपिक्स आपकी बुक में अवेलेबल है तो आप उससे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों पांचों सब्जेक्ट की बता दी है, पांचों क्यों, क्योंकि इंग्लिश का भी हमने बता दिया है। तो ये बुक्स है, इनसे आप तैयारी कर सकते हो, इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने सभी के लिए अलग अलग बताया है और ये रियल और जेन्युइन बुक मैंने आपको बताई है। इसके बाद फिर आता है सर जी मेन इंपॉर्टेंट बात, तो आप भूल ही गए कि प्रीवियस ईयर पेपर कहां से करें। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी स्टूडेंट सर्च करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से करें, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 400 से 800 रुपए आपको खर्च नहीं करने इन बुक्स के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक के लिए। कल ही मैं आपको बताता हूं, कल ही है ना, मैंने 2022 वाले जितने भी मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर थे वो डाल दिए हैं सारे। कहां पर डाले हैं, अपने टेलीग्राम पे। तो जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर चाहता है ना, अपने टेलीग्राम से जुड़ जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाना, आपको ये मिल जाएगा सारे के सारे। सर जी क्या मैथ मैथ के आएंगे, नहीं, ये मैथ मैथ के मैंने डाले हैं। अभी मैं 2022 के साथ साथ 2021 वाले भी डालने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हम तो 2021 वाले के लिए बुक लेंगे, तो 2021 वाले भी। अब मैथ के बाद फिर हम इसमें रीजनिंग के भी आपके डाल देंगे, ठीक है, हिंदी के भी आपके डाल देंगे और जीके जीएस के भी हम डाल देंगे। तो टेंशन मत लेना, सभी का सभी आपका आने वाला है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ना मिले, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, और कहां पर है भाई, अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैंने वहां पर डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो दिमाग में चल रहा था वो क्लियर हो गया होगा। अब बात आते हैं, देखिए मैंने एक चीज एनालिसिस की कि अभी बहुत सारी वैकेंसी जा रही हैं, स्टूडेंट भटकता रहता है, उनके दिमाग में यही होता है कि सर जी ये जो मैथ की बुक बताई है ना, ये तो इनसे प्रैक्टिस तो कर लेंगे, लेकिन मैथ हमारी प्रॉब्लम बना हुआ है, चाहे SSC GD का एग्जाम दे या और भी 2023-24 में जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें मुझे मैथ सीखना है, मुझे मैथ नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर जी मुझे बिल्कुल ही मैथ नहीं आता, मैं ये समझ लो मैथ में बिल्कुल भी जीरो हूं, रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैंने अभी से तैयारी स्टार्ट की है, तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने आपके लिए बहुत कम फीस पे मैं आपके लिए कोर्स